सारिआं नूं सति श्री अकाल। अज मैं तुहाडे नाल बेसन की बर्फी की रैसपी शेयर करूँगी। इहदे लई सानूं एक कौली बेसन की चाहिए है, अद्धा कौली घी, अद्धा कौली शुगर, दो चमचे मैदा, तो फूड कलर, तो आ थोड़े जे ड्राई फ्रूट्स गार्निश करने लई। सो सब तो पहला बेसन की बर्फी बनाने के लिए असी चासनी बनाने। चासनी बनाने के लिए सही सिर्फ एक चौथाई कप पानी का पावांगे। इस दे विच चीनी, थोड़ा जा फूड कलर, बेसन की बर्फी के लिए सानू एक तार की चासनी की जरूरत है। चासनी इस तरह चमच से लेके चेक करके देख लो अपनी चासनी, बिल्कुल जो एक तार बन लग जाए अपनी चासनी बिल्कुल तैयार है। इनू आप एक साइड पर रख देंगे। हम दूसरे पैन में घी पा के आप बेसन पकाने हैं। बेसन मैदा चंगी तरह मिक्स करना है। बेसन पकाते समय तुसी इस गल का ध्यान रखना है कि इसनों मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, गैस ज़्यादा तेज नहीं करनी। बेसन नूं तुसीं जद तक पकाउणा है जद तक उह घी छड्डण ना लग जावे। अपना बेसन बन के तैयार होण वाला है। बस तुसीं इक गल दा ध्यान रखना है कि गैस दा फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। इस नूं पकण विच 10 तों 15 मिंट लग गए ने। लो जी अपना बेसन बिल्कुल पक के तैयार है। इस विच बहुत वधिया खुशबू आने लग पई, इसका रंग भी गोल्डन ब्राउन हो गया। तो हुण इस विच आपां चासनी पावांगे। चासनी पाउण सार ही आपां गैस बंद कर देनी है ते इसनूं चंगी तरह मिक्स करना है। चासनी नूं आपां चंगी तरह बेसन विच मिक्स कर लिया। हुण आपां इसनूं इक प्लेट विच कढ़ांगे। प्लेट ते आपां ने घिओ लगा लैणा है।
जो अपनी बर्फी इस दे नाल चिपके ना, कट्टन विच आसानी होवे। इसनू आपां प्लेट विच कढ लवांगे। ਇੰਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੇਪ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਣ ਦੀ ਬਰਫੀ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। लो जी, अपनी बेसन की बर्फी बन के तैयार है।